सो गाइस, ये जो आप अपने सामने कार देख रहे हैं, ये है आपकी पोर्श कायन, सिल्वर कलर में है। एंड पाजी, सबसे पहले हम आएंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे। सो ये बताओ, फ्रंट में हमें पोर्श कायन में क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, हेडलाइट वॉशर है, क्रोम ग्रिल है, और ये जो आप ग्रिल्स देख रहे हैं, इसमें से हमारी इंजन को जो एयर जाती है अंदर, इनटेक ऑफ द एयर है जो, जिससे हमारा इंजन कूल रहता है और हमारी गाड़ी जो हमें ज़्यादा अच्छी एवरेज देती है। हमारे येलो फॉग लैंप्स हैं, इसके अगर आप ग्रिल पे ध्यान दें, ग्रिल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से कुछ वेयर एंड टीयर नहीं, जिससे कस्टमर को लगे कि मैं यूज्ड कार ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नंबर आपके सामने है, कंपनी जाने से, हमारे पास आने से पहले कंपनी में जो है इसको चेक करवाएं, फिर हमसे बात करें। और अगर फ्रंट की अगर हम बात करें तो हमारे पार्किंग सेंसर्स भी इस पे अवेलेबल है। सो गाइस, फिलहाल ये हो गई फ्रंट प्रोफाइल। सो भैया, फ्रंट प्रोफाइल हमने दिखा दी, अब मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार आप इसका हुड ओपन करो और एक बार इसका हुड दिखाते हैं। ठीक। सो गाइस, हुड ओपन करने से पहले आपको हुड ओपन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये पोर्श जो है, ये जर्मन टाइगर है। ओके। और ये जो पोर्शे है, ये लग्जरी ब्रांड ऑफ वॉक्सवैगन है। वॉक्सवैगन के अंडर ही हमारी स्कोडा आती है, ऑडी आती है, बुगाटी आती है। ठीक है। और फेमस जो मोटरसाइकिल, जो लोगों की आजकल स्मार्टेस्ट मोटरसाइकिल है, वो है डुकाटी, वो भी वॉक्सवैगन को ही बिलोंग करती है। तो ये जो गाड़ियां हैं, ये बस चाहती हैं कि हमारे को टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, टाइम टू टाइम ध्यान रखो। और गाड़ी आपको कुछ नहीं कही, इनकी जो ठोस, जो इनका टफनेस है, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और इसका जो पेंट जॉब है, जो इसका पेंट जॉब है, वो वॉक्सवैगन कहती है कि हमसे बेस्ट नहीं है। और कभी भी आप पोर्श की गाड़ी देखें तो उसके ऊपर वॉक्सवैगन हमेशा क्लेम करती है कि हमारी गाड़ी के ऊपर रस्टिंग कभी नहीं आएगी। तो सेम एप्लीकेबल जो है वो पोर्श के ऊपर भी है। आइए मैं आपको इसका हुड ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन इसका इंजन आपको मिलेगा। बीच में आपकी 3.0 V6 इंजन है विद पोर्श बैजिंग ऑन दैट। ओके। और कहीं से भी देखें, आपका प्लास्टिक मटेरियल, यहाँ तक कि इंजन कवर जो कि सबसे डेलिकेट होता है, वो भी कहीं क्रैकिंग नहीं है, ब्रेकेज नहीं है कहीं से। और जो इसका बोनेट कारपेटिंग है, जो इसकी साउंड को डिप्रेस कर देता है, आप देखिए वो भी नीट एंड क्लीन ही है। कस्टमर ने बहुत ध्यान से ये गाड़ी रखी है, और आगे हमने जो इससे गाड़ी ली है, हमने भी बहुत ध्यान से आगे गाड़ी रखी हुई है। सो गाइस, मैंने आपको एक बार इसके इंजन की क्वालिटी दिखा दी, एकदम नीट एंड क्लीन इंजन है। सो भैया, एक बार मैं चाहूँगा आप इसको हुड को करो क्लोज। तो ये फिलहाल मैंने आपको दिखा दी इसकी फ्रंट प्रोफाइल, दिखा दी मैंने आपको फ्रंट प्रोफाइल इसकी, आपको अच्छी लगी होगी। तो भैया, आप एक बार हम लेके चलते हैं भाई को साइड प्रोफाइल दिखा। बिल्कुल आइए। साइड प्रोफाइल में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो अलॉय रिम है, हाँ जी, जो सिल्वर के साथ जो हमारे को ग्रेस देता है, दैट इज़ ब्लैक। और इसमें जो इंस्टॉल टायर है, वो मिचलिन का है, 19 इंच का, ठीक है, 265/50/19। और लोगों ने इसको अपग्रेड करके, लोग इसको 20 इंच तक भी ले रहे, क्योंकि इसके अंदर जो इसका एरिया है, इसके अंदर 20 इंच का रिम भी जो है, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है। एंड भी हमें इसमें मिलते हैं पोर्श कैलिपर्स मिलते हैं, जो कि रेड कलर के हम देख रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, और प्रॉपर कंपनी के ही हैं, मतलब कस्टमर ने कोई बाहर से बैजिंग वगैरह कुछ नहीं, कंपनी के ही प्रॉपर है। और अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें, कार आपके सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और गाड़ी के ऊपर हमने एक रुपया का खर्चा नहीं किया। एज बीइंग अ डीलर, हमने एक रुपये का खर्चा नहीं किया, जैसी कस्टमर ने दी हमने वैसी ही रखी है। आप देखें, इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं से कोई पेंट उखड़ा नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, जो इसमें हम ये देख रहे हैं अलॉय ग्लॉसी ब्लैक कलर के, तो क्या ये कंपनी पेंटेड है या कस्टमर ने कराई है? नहीं सर, कंपनी पेंटेड है ये। कंपनी में आपके ऑप्शन आते हैं, सिल्वर कलर भी आता है, जो कि 12 स्पोक्स होता है, ये 5 स्पोक्स है ग्लॉसी ब्लैक में। तो ये इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कंपनी लेती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कि उसने कैसे इसको कस्टमाइज करवाना है। अगर आप इसकी सीट्स की भी देखें, अगर आप इसका इंटीरियर देखें, तो इसका इंटीरियर भी डुअल टोन में है। इंटीरियर देखें, इंटीरियर डुअल टोन में, लेकिन अभी आपको एक मैंने छोटी सी झलक दिखाई है। पहले भैया, हम एक बार भाइयों को लेकर चलते हैं कार की, पहले बैक में फिर दिखाते हैं, ठीक है ना भैया? आइए। सो गाइस, अब मैं पहले आपको इसकी दिखाऊँ बैक प्रोफाइल, दिखाता हूँ एक बार आपको इसकी। ये देखिए, बैक प्रोफाइल भी एकदम नीट एंड क्लीन है, और इसमें कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसका बूट स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा ही बूट स्पेस इसका अवेलेबल है। अगर हम बात करें भैया, 500 लीटर प्लस होगा आराम से, प्यार से, प्लस इसकी आप इसके अपने जैसे लगेज लेके जा रहे हैं, ये बच्चों का शफ्ट हो या पिल्लो रखना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्पेस
गया, फटूना टायर हो गया इसका। बिल्कुल नॉर्मल टायर रहता है और 50 miles per hour की स्पीड, यानी कि 80 km/h की स्पीड से आप इस टायर को मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं, आप इसको हरिड वे में नहीं चला सकते। मतलब हम ये बोल सकते हैं इमरजेंसी टायर हो गया आपके लिए। बिल्कुल इमरजेंसी टायर, आप देखें कहीं से इतनी पुरानी गाड़ी है, 2015 मॉडल गाड़ी, कहीं से बैकलाइट, कहीं से कुछ ब्रेकेज नहीं है, एवरी थिंग इज ऑल क्लियर। तो गाइस अब इसके हम करेंगे इसके हुड को क्लोज, जो कि बेसिकली आपका होता है बटन से प्रेस किया और ये हो गया आपका। भैया अगर हम बात करें वैसे इसकी, जो हम की बात करते हैं, की में आपको फीचर मिलता है इसका हुड ओपन करने का। यस बिल्कुल है, बस ओनली ओपन करने का मिलता है, क्लोज आपको वहीं से करना है, ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। बिल्कुल ये तो बहुत छोटी बात आपने कह दी कि हुड क्लोज करने का कीम, क्योंकि अब फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आ गई तो पोर्श तो वैसे ही लग्जरी में कहलाई जाती है, ये तो आएगी ही आएगी उसमें। एंड गाइस बाकी भी अगर हम बात करें बैक प्रोफाइल की, तो ये हमें जो आपके सामने है, बल्कि हमने जेन्युइन, ये देखिए अगर यहाँ पे छोटा सा डेंट भी है तो हमने उसको कहीं से कहीं कोई छुपाया नहीं है कि यहाँ पे कुछ वर्क कराओ, ये देखिए ठीक है। एंड ये जो भैया बाकी आपका जो लाइट्स आ गया पूरा आपका एलईडी पैटर्न आ गया बिल्कुल। एंड नीचे गाइस इसमें आपको मिलता है ड्यूल एग्जॉस्ट, ये देखिए बिल्कुल ओके ठीक है भैया। सो भैया फिलहाल बाहर के हमने प्रोफाइल तो दिखा दिया, एक्सटीरियर हमने दिखा दिया कार का पूरा, क्या बोलते हैं अंदर लेके चलो भाइयों को? बिल्कुल दिखाइए, अंदर तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो कस्टमर लेगा। सही बात है भैया, जो 53.5 lakh rupees इन्वेस्ट करेगा वो तभी लेगा जब उसको इंटीरियर अंदर से नीट एंड क्लीन मिलेगा, उसको फील आना चाहिए कि मैंने पोर्श ली है। और ये गाड़ी जो है 73,000 kilometers चली हुई है, और अभी मैं इसका मीटर हाइड कर दूँ, अभी आप जब चलाओगे आपको, आप खुद कहोगे कि 73,000 kilometers गाड़ी लग ही नहीं रही है। अच्छा, एक एक चीज़ कंपनी से फिटेड है, एक एक चीज़ कंपनी से सर्विस है। चलिए गाइस अब हम लेके चलते हैं आपको कार के अंदर और दिखाते हैं इंटीरियर। आइए अंदर एंटर करने से पहले एक बार आपको सीट दिखा दूँ, जो कि इसमें आपको भैया मिलती है बेज कलर की। बिल्कुल कस्टमर ने इसका कस्टमाइज करा रखा है विद डार्क ब्राउन एंड बेज। ओके एंड ये जो सीट देख रहे गए आपकी ऑटोमेटिक सीट्स है, जो कि बेसिकली इसको मैंने यहाँ से प्रेस किया तो ये आपकी सीट्स आगे हो जाती हैं, एंड ये प्रेस किया तो आपका ये हो जाता है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो इनबिल्ट सिस्टम है कंपनी का वो बोस की तरफ से, जो कि आजकल के टाइम पे लोगों का फेवरेट बन चुका है। ओके ओके ठीक है। सो गाइस ये आपको दिखा दी फिल, अब अंदर एंटर करने से पहले दिखा दूँ, ये आपकी आ गई यहाँ पे काइन की बैजिंग आ गई। सो अब जो कि मेन इस कार का अट्रैक्शन है वो इसका इंटीरियर, आइए आपको वो दिखाता हूँ। अब हम आ चुके हैं पोर्श कायन के अंदर, सबसे पहले इसका आप इंटीरियर दिखा रहे हैं। इंटीरियर इसका एकदम नीट एंड क्लीन है, एंड लाइक जैसे करण भैया ने बताया था ड्यूअल टोन में आपको इसका इंटीरियर मिलने वाला, क्यों भैया? बिल्कुल, और आप इसकी एक चीज देखिए कि आगे का लेदर देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई वो नहीं है कि वेयर एंड टियर कि आपको लगे कि मैं गाड़ी ओल्ड ले रहा हूँ। आप इसका स्टेयरिंग का लेदर भी फोकस करें, बताएं कस्टमर्स को। नहीं गैस ये देखिए स्टेयरिंग का लेदर भी एकदम नीट एंड क्लीन है, ये देखिए लेदर एकदम नीट एंड क्लीन है। सो भैया सबसे पहले हम आते हैं इसके जो हम मेन आते हैं स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग पे पहले बताओ क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं हमें देखने में। सर स्टेयरिंग पे इसका आप देखेंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपकी कॉल कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट का भी है, वॉल्यूम कंट्रोल, आप अगर ट्रैक्स सीडी सुन रहे हैं या आप रेडियो पे हैं तो आप स्टेशन यहाँ से चेंज करेंगे या ट्रैक यहाँ से चेंज करेंगे। ओके और यहाँ से आपका रिवर्ट है टू गो बैक टू द मेन मेन्यू, और ये आपका होल्ड सिस्टम है। ठीक है एंड भी अगर हम इसकी बात करें मतलब स्टेयरिंग की लुक भी काफी अच्छी दे रखी है, एंड ये जो क्रोम ब्रश की फिनिशिंग दे रखी है ये भी काफी अच्छी लग रही है इस गाड़ी पे। बिल्कुल अब पोर्श जो लेगा शौकीन आदमी लेगा, सही बात है, बंदा तो कभी कहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नहीं भैया फिकर ना करो, अगर देखो मेहनत करेंगे तो हम भी एक दिन अफोर्ड करेंगे, क्यों भैया? पक्का है ना? हाँ मेहनत करके सर्विसिंग के पैसे तो निकाल ही लेंगे ना। सही बात है, सही बोले भैया। सो गाइस चलिए जोक्स अपार्ट अब हम आते हैं भैया। सो ये देखिए इसका आपका आगे सामने आपको ऐसा टैकोमीटर आ गया। सो भैया बताओ लाइक इसमें हमें ये पांच डायल दे रखे किस किस के लिए होते हैं, लाइक हम स्टार्ट करें पहले इस फर्स्ट वन से। सर ये ऑयल का है, ठीक है, ये स्पीडोमीटर का है प्लस आरपीएम आपका। हाँ जी हाँ जी, सॉरी किलोमीटर का है या आरपीएम का है, आरपीएम। और ये आपका इन्फॉर्मेशन की आप क्या यूज कर रहे हैं, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। और ये आपका फ्यूल टैंक का है, और ये आपका गाड़ी का टेम्परेचर। ओके सो गाइस लाइक जैसे आप देख रहे हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल अगर आपके कार में कोई टायर प्रेशर लो है, कौन सा आप रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे देखने को मिल जाती है। अब जिस तरह आप ये नोटिस देखें कि यहाँ पे हमारे को ये एरर शो कर रहा है, रेड अलर्ट शो कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, इसमें मेरी गाड़ी का टायर जो है इसमें हवा कम है तो उसने एरर शो करना शुरू कर दिया। ओके अब मेरा काम क्या है कि मैं इसको अब फटाफट गाड़ी में टायर में हवा जो है इन्फ्लेट करवाऊंगा। ओके ठीक है सो ये हो गई। सो भैया अब हम आते हैं इस मेन कंसोल पे। गाइस टू बी रियली ऑनेस्ट भैया जो इसका ये मेन कंसोल है ना, लाइक ऐसे लगता है फीलिंग ऐसे थे लाइक जैसे मैं कॉकपिट में बैठे किसी एयरप्लेन के। बिल्कुल है ये सही में, वो तो है भैया आप कॉकपिट में बैठे हो, प्लस आप देखो कि हर एक चीज, ये 6 CD लोडर है इसमें। हाँ जी मैप के लिए अलग टैब है, नेविगेशन अलग है,
अगर आप स्टीयरिंग से कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट नहीं करना चाहते, आप यहाँ से करना चाहते हो, यहाँ पे भी इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। हाँ जी, साउंड सिस्टम है कि आपने साउंड की बैलेंसिंग कैसे करनी, बेस ट्रेबल एनीथिंग यू वांट टू, इन्फो की गाड़ी की सर्विसिंग कितनी रह गई है आपको वो सब दिखेगा। बैक बटन जो आपने स्टीयरिंग में देखा था वो बैक बटन यहाँ पे भी अवेलेबल है। okay. यहाँ पे अगर आप आ जाए तो इन्होंने डुअल जोन एसी दे रखा है कि हट आप मोहित जी, आप अपनी जगह पे एसी का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं, मैं अपनी जगह पे एसी का टेम्परेचर अलग सेट कर सकता हूँ। जैसे कि आपका 16 डिग्री चल रहा है, हाँ जी, तो मेरा सबसे लोएस्ट है, ठीक है, मेरा सबसे लोएस्ट है, तो आप 16 डिग्री में कंफर्टेबल हो, मैं लोएस्ट में कंफर्टेबल हूँ, तो फर्स्ट क्लास चलता जा रहा है। और अगर हम इसके आए तो इसमें ऑटो रीसेट, आप अपने सीट्स की आप सेटिंग कर सकते हो कि ये रेस्ट है, ऑटो रेस्ट है, ये आपका आ गया ऑटो रेयर, रेयर सीट्स जो हैं वो भी, आप बैक सीट्स जो हमारी आप वो भी कर सकते हो। इसमें प्लस आ गया हमारा ऑफ रोडिंग एंड ऑन रोडिंग। ऑन रोड में क्या है कि जिस तरह आपको 4x4 की आपको इसमें टॉक चाहिए तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ की लाइट अप हो जाएगी और आपको 4x4 का बूस्ट देगा। अभी जो हम गाड़ी आप और मैं चला के आए वो है कम्फर्ट जोन में, हम इसको स्पोर्ट जोन में भी देंगे, हम इसको स्पोर्ट्स प्लस में भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इसकी जो ये अभी 40 की स्पीड पर भाग रही है, 80 की स्पीड पर भाग रही है, ये उस टाइम पे और पावर बूस्ट करेगी। लेकिन हाँ ये है कि उस टाइम पे ये डीजल है जो ये बिस्लरी पानी के जैसे पिएगी। अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स पर अगर हम इसको स्पोर्ट प्लस पे चलाते हैं, प्लस पे चलाएंगे, स्पोर्ट्स में भी पिएगी ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स प्लस पे तो भैया एक बार बोलो टू बी रियली ऑनेस्ट, कंफर्ट भी पिएगी तो कंफर्ट भी, ये तो है नहीं कि छोड़ देगी तब भी इसमें पानी पीना है डीजल की तरह, बिस्लरी की तरह, क्यों भैया? बिल्कुल। सो भैया बाकी हम बात करें, ये जो हम ये देख रहे हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, ये आपका टच स्क्रीन है, ये भी टच ऑपरेटेड है ना? बिल्कुल, आप देखिए, ठीक है आप, बल्कि इसका जो साउंड है वो भी कहीं से भी आप देखेंगे तो स्पीकर्स में कहीं से भी वायरिंग की क्रिकरनेस नहीं है, कुछ नहीं है, नीट एंड क्लीन सिस्टम है सारा। और अगर आप इसके क्या देखिएगा, मैं आवाज सुनाता हूँ क्योंकि उस समय गाना चल रहा था वो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ये देखिए, कुछ और ट्राई करो ना। सीमा एक टक सतेंद्र को देख रही थी कि सोच रही थी कि भैया लाइक ना फील ऐसे आ रही लाइक ना सराउंड साउंड है लाइक इसमें, बिल्कुल है ना। और अगर आप इसके ऊपर बटन पे अगर आप देखें तो इसके रीडिंग लैंप्स वाइट LED है, ये रेयर है, रेयर सीट्स के हैं ये, और ये जो है ये हमारा पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर है। इसका सनरूफ अगर आप देखें तो गाइस ये देखिए सनरूफ, देखिए मतलब सेकंड होता है पूरा सनरूफ मिलता है इसमें, बिल्कुल ठीक है। एक बार सनरूफ एक बार ओपन करके दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। बस ये देखिए, इससे बड़ी सनरूफ किसी भी गाड़ी में नहीं है। अगर आपने मेरे साथ अभी फोर्ड एंडेवर भी की, आपने मर्सिडीज भी करी, आपने मेरे साथ ML भी शूट करी, GL भी शूट करी, बट आपको अभी तक इससे बड़ी सनरूफ नहीं मिली। नहीं गाइस, सीरियसली काफी मैसिव है इसकी सनरूफ। और इसके हम करेंगे क्लोज एक बार, आप सनरूफ में लोगों को कंप्लेंट होती है कि इतनी पुरानी गाड़ी में सनरूफ वर्किंग कैसे रहेगी, आप ये देखिए बिल्कुल इंटैक्ट है। यहाँ तक कि जो सनरूफ क्लॉथ है जो इसका, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मेंटेन्ड है, कहीं से भी होल्स नहीं आया, कहीं से भी कपड़ा लटक नहीं रहा है, जिससे कस्टमर को एक फील हो कि यार मैं कैसी गाड़ी ले रहा हूँ, कौन से डीलर से ले रहा हूँ। क्योंकि हमने काम करना है मिस्टर कार नारायणा के लिए, मिस्टर कार नारायणा आने वाले टाइम में कार्स को अच्छा फ्यूचर देने वाला है, ठीक है। सो भैया आई थिंक हमने फिलहाल सारे फीचर एक्सप्लेन कर दिए, बाकी एक बार ये दिखा दे, यहाँ पे आपके आते हैं कप होल्डर्स आते हैं एंड इसको हमने प्रेस किया तो इसमें अगर आप देखेंगे आपको ये दिखाऊं जो बैक डोर पे अभी देख रहे हैं, ये जिसमें अभी ब्लाइंड्स देख रहे हैं आपका ऑटोमेटिक है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके ब्लाइंड्स नीचे फोल्ड हो जाते हैं। इधर आपको फिर से मिलता है ड्यूल टोन की आपको फिनिशिंग मिलेगी, लाइक ब्राउन एंड बेज की फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलता है क्रोम ब्रश की फिनिशिंग मिलती है, इसको हमने प्रेस किया तो यहाँ पे आपको आता है एस्ट्रे। अब नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको आता है विंडो को अप डाउन करने का ऑप्शन, एंड लाइक जैसे भैया ने बताया था, ये देखिए यहाँ पे आपको इसमें मिलता है बोस का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, ये देखिए ये आपकी आगे बोस की बैजिंग। सो फिलहाल गया था ये आपको दिखा दिया, अब हमारे अंदर करण भैया बैठे हैं। सो करण भैया पहले एक बार बताइए, स्पेस के बारे में अगर हम बात करें, हेडरूम एंड लेग रूम दिख रहा है जैसे बैठे हुए हो, मतलब काफी है। देखो मेरी हाइट तो एवरेज है, आप बैठ के देखो ना कि आपको कैसा लग रहा है, आपने भी फ्रंट बैठ के देखा। चलो गाइस मैं एक बार बैठता हूँ। सो एक बार मैं बैठा, सो अगर 6 तो है ही है। हाँ जी हाँ जी। सो ये देखिए
भैया अगर हम बात करें ये देखिए लेग स्पेस भी काफी अच्छा है, जबकि अगर मैं स्ट्रेच भी करूँ तो आराम से बैठ सकते हैं क्यों भैया। और हेडरूम, हेडरूम भी भैया मतलब काफी अच्छा है, मतलब काफी अच्छा हेडरूम मेरे को मिल रहा है इसमें। एंड ये देखिए आप बैक में दिखाऊं तो भैया बेसिकली पोर्श में हमें 4 zone क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 2 zone मिलता है, रेयर का अलग आएगा फ्रंट का अलग आएगा। ओके सो फॉर एग्जांपल जैसे कि करण भैया मेरे साथ बैठे हैं, अब ये देखिए आप बैठे हैं, अब आप फैन आपने ऑन किया, एसी ऑन किया, एसी इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द कार, अब टेम्परेचर अपने हिसाब से भी कर लीजिए, वो जो फीचर आगे एसी के थे वही फीचर पीछे एसी के। ठीक है, ये एंड आप जैसे आप चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल। एंड भी अगर हम बात करें सीट जो है इसकी काफी कम्फर्टेबल है। बिल्कुल, नाप लेदर के ऊपर है। ओके एक बार ये ओपन कर देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा। लास्ट होल्डर है इसका, बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन लोग इसको आफ्टर 7 PM यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, समझदार समझ गए होंगे। आप इसमें कोक डाल के हमेशा चल सकते हो ड्राइव पे। ठीक है बिल्कुल। सो चलेगा, अभी हम एक बार इसके राइड क्वालिटी भी दिखाएंगे कैसी है। क्यों भैया? बिल्कुल गाइस बता दूं, फिलहाल ये हमने कि आपको अल्ट्रा लग्जूरियस एसयूवी दिखा दी, जो कि पोर्श की एक फ्लैगशिप एसयूवी में से एक है। सो करण भाई सबसे पहले हम आएंगे, ये जो हम देख रहे हैं ये आपकी कार कौन सी ईयर का मॉडल होने वाला भाई है? सर जी ये 2015 मॉडल है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, कहीं से आपने गाड़ी चलाई, शूट करी आपने गाड़ी, कहीं से आपको 2015 गाड़ी लगी है? नहीं भैया, लगा तो ऐसा था लाइक 2021 मॉडल है। नहीं भैया, टू बी रियली ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मतलब गाड़ी इसलिए ऐसी लगी क्योंकि ये आपकी वेल मेंटेन्ड कार है, कंपनी से कंपनी टू सारा काम हुआ हुआ है, और जो गाड़ी का इंटीरियर, जो इंसान गाड़ी का इंटीरियर ध्यान से रखता है इसका मतलब वो गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से रखना जानता है। और लग्जरी कार लेकर अगर आपका कहीं से कोई सीट रॉटन है या कहीं से कोई वीयर इंटीरियर है तो उसका मजा नहीं आता, वो फील आप भी जानते हो क्योंकि आप भी हर जगह गाड़ियां शूट करते हो, आप देखते हो कि कई डीलर्स गाड़ियां मेंटेन करके रखते हैं, कई डीलर्स काम करवाते हैं और कई डीलर्स मार्केट से भी नीचे रेट पे गाड़ी देते हैं, लोगों को लगता है कि हम गाड़ियां महंगी बेच रहे हैं, लेकिन गाड़ी की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये गाड़ी जो है सेकेंड ओनर है। ठीक है, 73,000 किलोमीटर चली हुई है और ये गाड़ी HR26 रजिस्टर्ड है, जो कि आपकी वीडियो में भी इसका गाड़ी का नंबर जो है वो आप डिस्प्ले होगा, तो कस्टमर पहले इसका रिकॉर्ड चेक कराए फिर हम आगे बात करेंगे कि हाँ भी गाड़ी क्या कहना चाहती है और गाड़ी क्या करती है। ठीक है, और इस गाड़ी के ऊपर जो 53,50,000 का जो टैग प्राइस है, अगर मोहित भाई आपकी रेफरेंस से कोई आएगा, हाँ जी, तो आप मुझे बता दो, आप मुझे कुछ उनको कूपन लॉन्च करोगे इसमें, क्यों आपकी कॉल करवाएगा मेरे को? भाई आपको ज्यादा ठीक लगे मैं बोलूंगा कैश डिस्काउंट ही जितना ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैश डिस्काउंट देखो 5350 इसकी आस्किंग है, आपके नाम पे एक लाख रुपया जो है वो ऑफ है। ओके ठीक है, बाकी आप छोटा मोटा जो आपका और रिगार्ड होगा वो आपका किया जाएगा। ओके ठीक है, सो 53,50,000 गाइस इसकी कॉस्ट है, 1 lakh का इंस्टेंट डिस्काउंट जो भाई का व्लॉग देख के आएगा। एंड बाकी गाइस इसकी मैंने आपको पूरा कार का आप दिखाई दूं फिर से एक बार, आपको कार का मैंने आपको पूरा इंटीरियर दिखा दिया, एकदम नीट एंड क्लीन है। एंड भैया बात करूं फाइनेंस, अगर किसी की प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी तो 7 years के लिए भी जा सकता है आराम से। बिल्कुल ठीक, लेकिन 7 years का स्लोली एंड ग्रेजुअली शायद बैंकिंग बंद कर रही है। ओके, लेकिन अभी हम यस कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो प्रोफाइल का हिसाब से डिपेंड होता है। चलो हम ये बोल सकते हैं भाई कि चलो 5 साल तो आपका है आराम से, 5 साल तो लेके चलो। 2015 गाड़ी है, 10 साल ये गाड़ी जो है आपकी 4 साल के लिए फाइनेंस हो जाएगी इजीली। ओके ठीक है, बिल्कुल। सो गाइस आई होप आज के लोगों में मैंने कोई बहुत उबर कूल लग्जरी एसयूवी दिखाई पोर्श ग्रैंड की, इंटीरियर दिखाया, एक्सटीरियर दिखाया, लुक वाइज बहुत बढ़िया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट व्लॉग में आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट सेक्शन जाके कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी गाड़ी देखना चाहते हैं, अगर भैया के इसमें अवेलेबल होगी इन्वेंट्री में सब आपके लिए जरूर लेके आएंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में। तो चले गए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई कार कलेक्शन लेके, तब तक के दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।